राजधानी में मंगलवार को कोरोना के 44 नए मरीज मिले, वहीं 5 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही 37 मरीज स्वस्थ हुए। मृत्यु दर 1.74% पर स्थिर रही। पिछले 24 घंटों में 63,019 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 0.07% सैंपल पॉजिटिव मिले। देश में हर 3 में से 2 व्यक्ति में कोरोना की एंटीबॉडी बन चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सीरो सर्वे में यह जानकारी सामने आई। सीरो सर्वे के अनुसार जब भी देश में लगभग 40 करोड़ यानी 33% ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना की एंटीबॉडी नहीं बन पाई है और इन लोगों के कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है। तीसरी लहर की आशंका के बीच केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा समेत कई राज्यों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राहत की बात यह है कि कई दिनों बाद आज देश में संक्रमण के दैनिक मामलों और कोविड से मरने वालों की संख्या में कमी दर्ज की गई। देश में पिछले 24 घंटे में 30,093 नए मामले सामने आए और 374 लोगों की जान चली गई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के संभावित खतरों से जूझ रहा भारत दूसरी लहर में भी कोरोना का विकराल रूप देख चुका है। भारत में भले ही सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 4 लाख से अधिक मौतें हुई हों, मगर अमेरिकी रिपोर्ट में इससे 10 गुना अधिक होने का दावा किया गया। अमेरिकी शोध समूह की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में कोरोना महामारी से 34 से 47 लाख मौतें हुई हैं, जो कि केंद्र सरकार के आंकड़ों से 10 गुना ज्यादा है। देश में कोविड वैक्सीनेशन की पॉलिसी पूरी तरह केंद्र के हाथों में आने और मुफ्त में सभी को टीका देने की नीति का करीब 1 माह हो चुका है, लेकिन रोजाना 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है। 21 जून को नई नीति के आगाज के पहले दिन 86 लाख के रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को छोड़ दे तो हर हफ्ते 40 से 50% लक्ष्य ही रोजाना हासिल हो पा रहा है।